टी20 वर्ल्ड कप 2024 की फाइनल मुकाबला से पहले भारत की फाइनल प्लेइंग 11 का घोषित थी और प्लेइंग 11 में देखने के लिए मिल रहा है बड़ी बदलाव। और प्लेइंग 11 में कौन सी बड़ी बदलाव हो सकता है और प्लेइंग 11 किस प्रकार से नजर में आ रही है, किस प्रकार से भारत की 11 खतरनाक का प्लेइंग 11 नजर आ रही है, क्योंकि आज का ये बड़ी मुकाबला फाइनल मुकाबला जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाने वाली है आज की इसी वीडियो में आप सभी को बताने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर बने रहेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को निश्चित रूप से फॉलो कर दीजिएगा। दोस्तों इन बात आप लोग जानते हो कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत की परफॉर्मेंस कितना शानदार रह चुका है, उसके साथ जो कि हमारे सामने जो टीम है यानी फाइनल में जो लड़ने वाली है साउथ अफ्रीका जो टीम है, साउथ अफ्रीका अभी तक भी एक मुकाबला हार कर नहीं आ रही है। तो दोनों टीम की अगर बात की जाए दोनों टीम बहुत बड़े क्रिकेट दिखा रही है, दोनों टीम बहुत बड़े मेहनत कर रही है, दोनों टीम भी अपनी क्रिकेट को देखा कर रहा है, अपनी जो मेहनत की दम पर फाइनल में जाकर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन फाइनल में क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, साउथ अफ्रीका के खिलाफ कौन सा रणनीति रोहित शर्मा अपनाने वाली है आज की इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग क्या करना है ना, इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर बात कर जाए टी20 वर्ल्ड कप 2024 की, भारत ने बहुत बड़े परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, भारत के सभी खिलाड़ी बहुत बड़े फॉर्म में नजर आ रही है, गेंदबाजी भारत की फॉर्म है, कप्तान भारत के कप्तान फॉर्म है, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी कुछ है जो कि विराट कोहली के आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है, जो कि ओपनर के तौर पर शिवम दुबे एक आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी है, उसके साथ रविंद्र जडेजा भी इतने खास नहीं कहे है, लेकिन उसके साथ और सभी खिलाड़ी बहुत बड़े परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगर बात कर जाए रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा बहुत बड़े परफॉर्मेंस दिखा रही है, अपनी आज की कप्तानशी पारी खेल रही है, अपनी इंटरनेट पारी खेल रही है, रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव भी बहुत बड़े पारी खेल रही है, ऋषभ पंत भी बहुत बड़े पारी खेल रही है, हार्दिक पांड्या लाजवाब, हार्दिक पांड्या कमाल की पारी खेल रही है, और अक्षर पटेल भी गेंदबाज हो या तो बल्लेबाज हो दिखा रही है, अर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह आपकी हो गया गेंदबाज में, कुलदीप यादव सभी बहुत बड़े एफर्ट दिला रही है। क्या प्लेइंग 11 में कौन से चेंजेस हो सकता है, क्या शिवम दुबे को बैठाना चाहिए, क्या कुलदीप यादव की जगह पर युजवेंद्र चहल को मौका देना चाहिए फाइनल मुकाबले में, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा ही करेंगे। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा आज जो मुकाबला फाइनल मुकाबला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये मुकाबले को कौन सी टीम जीतेंगे, इस बात को आप लोगों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों इन बात आप लोग जानते हो कि भारत अभी तक अपनी प्लेइंग 11 को चेंज नहीं किया है, लेकिन एक तेज गेंदबाज को बैठाकर एक कुलदीप यादव को जो कि स्पिनर के तौर पर भारतीय टीम इंक्लूड किया है अपने प्लेइंग 11 ने, लेकिन अब क्या होगा वही जो कि ग्राउंड रहेगा वेस्ट इंडीज़ की ग्राउंड रहेगा और आज का ये बड़ी मुकाबला होने वाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कौन सा रणनीति को अपनाएंगे देखने बात रहेगा। लेकिन प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से क्या होने वाली मैं आप सभी को बता देती हूँ, प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए, अगर करना होगा तो शिवम दुबे को बैठा दो भाई साहब और एक बल्लेबाज को आप इंक्लूड कर लो प्लेइंग 11 में, जैसे कि संजय सैमसन आपके पास है बहुत बड़े बल्लेबाजी करेंगे मिडिल ऑर्डर में उनको खिला लो, क्योंकि शिवम दुबे के साथ आप लोग जाते हो शिवम दुबे इतना बल्लेबाजी में इतना खास नहीं कर पाया अभी तक, और गेंदबाजी तो उनके द्वारा जो कि नहीं करते हो, और गेंदबाज में आपकी और सभी गेंदबाज हुई कर दिला रहे तो उनके साथ क्यों जाएंगे, तो उसके साथ मेरे हिसाब से शिवम दुबे का अगर बैठना चाहेंगे शिवम दुबे को बैठा सकते हैं। लेकिन प्लेइंग 11 ने रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली निश्चित रूप से फिर से हम सभी को ओपनिंग के तौर पर नजर आएंगे, नंबर 3 के ऊपर ऋषभ पंत भाई साहब नजर आएंगे, नंबर 4 के ऊपर वही खिलाड़ी यानी सूर्य कुमार यादव, 5 के ऊपर कौन सा खिलाड़ी, क्या शिवम दुबे को बैठा दो, अगर हो तो संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर देना, उसके साथ हार्दिक पांड्या रहेंगे, रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल रहेंगे, कुलदीप यादव की जगह पर अगर चाहोगे तो युजवेंद्र चहल भी आपके पास बहुत बड़े विकल्प है, और फास्ट बॉलर तो आपके पास अर्षदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह है, और प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से नहीं चेंज करना चाहिए, अपनी प्लेइंग 11 शुरुआत से लेकर अभी तक बहुत बड़े परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए, आप वही प्लेइंग 11 को लेकर खेलिए। शिवम दुबे को फॉर्म में आना पड़ेगा, विराट कोहली को फॉर्म में आना पड़ेगा, जडेजा को अपने पुराने अंदाज में वापसी करना पड़ेगा, ये सभी खिलाड़ी अगर फाइनल मुकाबले में दिखा देती है जलवा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताएगा क्या भारत रोहित शर्मा के हाथ में इस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी होगा या साउथ अफ्रीका पहली बार जीतेंगे, इस बात को आप लोगों नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को एक लाइक करिए, अगर चैनल पर नए आए तो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर अगर देख रहे हो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में आप सभी के साथ मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।